अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे कौन बनेगा सांसद में मुंगेर सीट की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुंगेर सीट इस समय बिहार के सबसे टॉप सीट में बना हुआ है और सारे लोगों की नजर है, पूरे देश की नजर है इस सीट पर, क्योंकि मुंगेर सीट से इस बार बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ रही है। वहीं जेडीयू से ललन सिंह चुनाव मैदान में हैं। आज हम बात करते हैं मुंगेर सीट के बारे में। मुंगेर बिहार का महत्वपूर्ण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है। इस क्षेत्र का महाभारत में माडगिरी के रूप में वर्णन है। मुंगेर बंगाल के अंतिम नवाब मीर कासिम का राजधानी भी था। मीर कासिम ने गंगा नदी के किनारे किले का निर्माण कराया था, जो आज भी मौजूद है। यहीं पर स्थित कष्ट हरिणी घाट हिंदू धर्मावलंबियों के लिए पवित्र माना जाता है। घाट के समीप ही नदी में माता सीता चरण का मंदिर स्थित है। यहाँ जाने के लिए नाव का सहारा लिया जाता है। यहाँ का योग विश्वविद्यालय योग आश्रम के नाम से भी मशहूर है। मुंगेर विश्वविद्यालय यहाँ का प्रमुख शैक्षिक संस्थान है। मुंगेर लोकसभा सीट बिहार में आती है, जो कि मगध इलाके में आता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से एलजेपी के बीना देवी ने 3,52,911 वोट हासिल किए थे और 1,09,084 वोटों के भारी अंतर से जीत दर्ज की थी। मुंगेर लोकसभा सीट पर दूसरे स्थान पर जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह रहे थे, जिन्होंने 2,43,827 वोट हासिल किए थे। अनंत सिंह के नाम पर सहमति नहीं बनी महागठबंधन में, फिर उनकी पत्नी नीलम देवी के नाम पर सहमति बनाया गया। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में भूमिहार जाति के मतदाता सर्वाधिक है। ललन सिंह 2009 के चुनाव में यहाँ से सांसद चुने जा चुके हैं। इस संसदीय सीट के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती है। मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़, लखीसराय, मोकामा और बाढ़। मुंगेर संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 15,64,604 है। इनमें से 8,49,060 पुरुष मतदाता, जबकि 7,15,544 महिला मतदाता है। वहीं मुंगेर में जदयू प्रत्याशी ललन सिंह के सामने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। लोकसभा चुनाव में सूबे के चौथे चरण में यहां लोकसभा का चुनाव होना है। यहां 9 अप्रैल तक नामांकन होगा और नामांकन की जांच 10 अप्रैल तक होगा, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 12 अप्रैल को है। कभी सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लोग बड़े साहब के रूप में जानते थे, तो बाहुबली अनंत सिंह को छोटे सरकार के रूप में लोग जानते थे। हालांकि जदयू में मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पहले से कद्दावर और गंभीर नेताओं में शुमार है। साल 2015 में अनंत सिंह जेल में लड़कर विधानसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल की। तब इनकी पत्नी नीलम देवी प्रचार कर रही थी। मुकामा विधायक अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार पहली बार जेडीयू पार्टी से एमएलए का चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन अनंत सिंह ने खुद को जेडीयू से अलग कर लिया है। कभी बिहार के सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। हम बात करें अगर मुंगेर सीट की, तो 2019 के चुनाव में कौन यहां से जीतेगा, ललन सिंह भी अपने जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं अनंत सिंह सीधा कहे हैं कि जो भी विरोधी होंगे उनकी हम जमानत जब्त करा देने की बात कही है। नीलम सिंह भी अभी मैदान में है। पहले तो महागठबंधन में अनंत सिंह के नाम पर नहीं बना, माहौल नहीं बना, क्योंकि आरजेडी तैयार नहीं था और भी जो घटक दल है महागठबंधन के, वो लोग अनंत सिंह के नाम पर तैयार नहीं हुए। तब उनकी पत्नी के नाम पर सहमति बनी। वहीं ललन सिंह सांसद रह चुके हैं और जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। उनके और नीलम सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। अब दोनों में कौन जीतेंगे इस बार, 2019 के चुनाव में किनको विजय हाथ लगेगी और किनकी पराजय होगी, ये देखने वाली बात होगी। दोनों जात से भूमिहार जाति के हैं दोनों,
और दोनों का आपस में पहले दोनों शुरू से ही एक पार्टी से रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अनंत सिंह भी 3 बार विधायक बने, वो भी जेडीयू से, और ललन सिंह भी शुरू से ही जेडीयू पार्टी के रहे हैं, वहीं से विधायक, मंत्री और सांसद भी बने हैं। लेकिन पिछले चुनाव में अनंत सिंह निर्दलीय लड़े, क्योंकि जेडीयू से उनको मतभेद हुआ, वो जेल में थे और उसके बाद उनको टिकट भी नहीं मिला। ठीक, अब देखते हैं इसी के साथ कौन जीतता है 2019 में मुंगेर, कौन बनेगा वहां का सांसद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक।